हाय, आई एम निजा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे परिणीति की, जिसमें हमने देखा संजू जो है नीति से पूछता है, मतलब वो उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, और जाहिर सी बात है नीति क्यों मना करेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजू ये बात कह रहा है क्योंकि जब वो एक्चुअली परी का रिएक्शन देखना चाहता है, जब उसको पता चलेगा कि वो और नीति शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पार्वती बनी हुई है, वो परी के रूप में अभी तक उसके सामने शायद खुल के नहीं आई है। ये जानने के लिए वो ये इस तरह की बात करते हैं, और जब ये कार्ड परी को दिखाता है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है, पर हमें नहीं पता कि परी का क्या रिएक्शन एक्चुअली आने वाला है। उन्होंने बस वो कार्ड देखा है और इस तरह से दिखाया है कि जो संजू है वो परी का रिएक्शन देखना चाह रहा है कि क्या उसे धक्का लगता है इस बात से कि वो नीति से शादी करने जा रहा है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी विजीता जी, तो ये अभी तक इन लोगों की ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है, ये क्या ही गेम चल रहा है अभी तक। रिसेंटली अंबिका जी ने एक बात कही थी पार्वती से कि उन्हें लगता है कि हम संजू हमेशा से जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये फाके में पार्वती है या परी है, मतलब दैट इज ऑल दैट इज देयर इन हिज माइंड, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। ये वाली बात हमने हाल ही में सुना था, तो मुझे लगता है कि उनका जो डिडक्शन है वो वाकई में सच हो रहा है, बिकॉज संजू फील्स दैट दिस इज समथिंग दैट विल मेक पार्वती accept that she is indeed Pari and she will not allow Sanju and Neeti to get married. उनको ऐसा लगता है जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है, and I think it's a very horrible move क्योंकि उनको पता है नीति का क्या stand है उनको लेके। नीति has always wanted to marry him, तो इस तरीके से उनको वापस से use करना, एक तरीके से he is doing that, right? He is using Neeti to find out whether Parvati is Pari. So I think it's a very wrong thing. पहले से ही उन्होंने बहुत ज्यादा खेल लिया है, दोनों लड़कियों का जिंदगी उन्होंने ही बर्बाद की है। पहले एक से शादी की, फिर दूसरे से शादी की, फिर दूसरे को छोड़ के पहले के पास चली गई। He is always been like this only. And again, it is the same thing. मुझे लग रहा है कि परी का सच जानने के लिए उन्होंने नीति को टारगेट किया है, मतलब यूज करने वाले हैं, और इसके वजह से चीजें और भी बिगड़ सकती है। आई रियली होप, मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि उनका प्लान फेल हो, उनका प्लान फ्लॉप हो, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि जो रिवेंज ड्रामा है ना वो ऊपर रहना चाहिए, नो मैटर कि संजू ने कुछ नहीं किया था, उनका कोई हाथ नहीं है परी को उस पहाड़ी से धक्का देने में, या ही वॉज नॉट इन्वॉल्व विद दैट एंटायर ग्रुप जिन्होंने परी को मारने की कोशिश की, मगर फिर भी परी के दिल में ऐसा एक इमेज है कि ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप और ही ऑल्सो वॉन्टेड हर आउट ऑफ द वे, तो वो चीज को ही ऊपर रहना चाहिए ताकि ड्रामा में एक मजा आ जाए। उसमें ये जो रोमांस है या फिर ये जो चीजें ये घुसाने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा उस चीज को डायल्यूट कर देता है। इनके जो आई लॉक्स है, नोक झोंक है, इट डज एक्चुअली डज नॉट, जो स्टोरी है, जो रिवेंज ड्रामा है उसमें बहुत ज्यादा वो डाइल्यूट कर देता है, वो इंटेंसिटी जो है ड्रामा की वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बिकॉज नाउ थिंग्स आर गोइंग रियली वेल। जो फाइनली नीति को लगने लगा है कि ये पार्वती है और वो उसको दोस्त भी मानने लगी है, तो नाउ तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्टिंग। इस तरीके का एक रोमांटिक एंगल घुसाने का जो तरकीब है या तरीका है वो एक्चुअली आई फील इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द ड्रामा, द रिवेंज ड्रामा। हाँ, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। उनको लगता है कि परी का कोई रिएक्शन निकल के आएगा, मैं तो चाहती हूँ कि ना निकल के आए, और लेट्स सी क्या होने वाला है, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं होता है क्या। अगर आपको हमारा छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें परिणीति ऑन कलर्स टीवी। टेक केयर, बाय बाय। हाय, आई एम तन्वी डोगरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।